फ्रेंड्स, मैं हूं शिल्पी और फूड्स एंड फ्लेवर्स इन हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको दही बड़े बनाने की रेसिपी दूंगी जो कि मैंने अपनी चाची जी से सीखी है। वह दही बड़े बनाने में एक्सपर्ट है और उनके दही बड़े एकदम बाजार जैसे सॉफ्ट और मजेदार बनते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। तो आइए बनाते हैं दही बड़े। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कप छिलका उतरी उड़द दाल को लिया था और इसको पानी से अच्छे से कई बार धोकर करीब 8 घंटे के लिए भिगो दिया था। 8 घंटे बाद मैंने इसका पानी छानकर निकाल दिया था। अब आप देख सकते हैं कि ये अपने साइज और क्वांटिटी दोनों में ही लगभग डबल हो गई है। अब हम इसको मिक्सी के जार में डालेंगे और महीन पीसेंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा कि दाल को बहुत ही थोड़ा सा पानी डालकर पीसे। अगर दाल पीसते समय पतली हो जाएगी तो तलते समय वड़े बहुत तेल सोख लेंगे। अब दाल पिसकर तैयार है। आप देख सकते हैं ये कितनी गाढ़ी पिसी है। हम इसको करीब 4 से 5 मिनट तक लगातार मिलाते हुए फेंटेंगे जिससे ये फूल जाएगी और दही बड़े बहुत सॉफ्ट बनेंगे। यहाँ पर आप चुटकी भर बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आइए अब चेक करते हैं कि दाल अच्छे से फिटी है या नहीं। मैं थोड़ी सी फिटी दाल पानी में डालूंगी और इसको पानी में एकदम इस तरह से ऊपर आ जाना चाहिए, इसका मतलब दाल तैयार है। और आइए अब हम दही बड़े फ्राई करते हैं। इसके लिए मैंने तेल को मध्यम आंच पर पहले से ही गरम किया हुआ है। मैं एक टूथपिक गरम तेल में डालूंगी। आप देख सकते हैं कि इसमें कितने तेजी से बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब तेल तलने के लिए तैयार है। हम घोल के छोटे छोटे गोले तेल में डालकर बड़े बना लेंगे। थोड़े समय बाद आप देखेंगे कि बड़े तेल में ऊपर आ गए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि बड़े सॉफ्ट नहीं बन रहे हैं तो आप इसी दाल में एक चुटकी बेकिंग सोडा का डालकर इसे अच्छे से मिला लें और फिर दही बड़े फ्राई करें। अब हम दही बड़ों को कई बार पलटेंगे और इनको चारों तरफ से सुनहरा होने तक सेक लेंगे। मुझे छोटे छोटे साइज के दही बड़े पसंद हैं। अगर आप चाहें तो आप इनको बड़े साइज का भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बड़े कितने अच्छे सुनहरे तलकर तैयार हैं। हम इनको प्लेट में निकालेंगे और अब हम पानी में डालने के लिए एक तड़का बनाएंगे। इसके लिए मैंने पैन को गर्म किया है और अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून के करीब तेल डालूंगी और इसमें 2 चुटकी के करीब हींग डालेंगे। तड़का तैयार है, हम इसको अलग से रखेंगे। और आइए अब दही बड़े बनाते हैं। इससे पहले मैं आपको दही बड़े अंदर से तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से ये कितने सॉफ्ट हैं। और आइए अब हम दही बड़ों का पानी बनाएंगे। इसके लिए मैं ये तड़का गर्म पानी में डालूंगी। दही बड़े उड़द दाल के बनते हैं इसलिए डाइजेस्ट होने में थोड़े कठिन होते हैं। ये हींग का पानी इसको आसानी से डाइजेस्ट होने में हेल्प करेगा। हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। अब हम कुछ बड़ों को पानी में डालेंगे और 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और आइए जब तक हम दही तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप दही एक बाउल में लिया है। हम इसमें चीनी डालेंगे, नमक डालेंगे और अच्छे से एकसार होने तक मिलाएंगे। मैं इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डालकर फिर से मिलाऊंगी। अब दही फिटकर तैयार है। हम बड़ों को एक बार फिर से मिला लेंगे और बड़े अब बहुत मुलायम हो गए हैं। हम इस तरह से इनको हाथों में लेकर हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे इनका पानी निकल जाएगा और तुरंत ही दही में डालेंगे जिससे ये दही अंदर तक सोख लेंगे। और इनको अच्छे से मिलाएंगे। और आइए अब दही बड़े सर्व करते हैं। इसके लिए मैं एक दोना लूंगी और कुछ दही बड़े इनमें डालूंगी। ऊपर से दही डालेंगे, थोड़ी हरी चटनी डालेंगे थोड़ी मीठी चटनी डालेंगे। इन चटनियों की रेसिपी आप मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं। इस पर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा भुना जीरा पाउडर और बहुत थोड़ा सा नमक छिड़केंगे। दही बड़े सर्व करने के लिए तैयार है। ये दही बड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें बताइएगा कि ये कैसे बने हैं। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।